हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिछले क्लास में हम लोग कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किए थे आज हम थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो कि फ्रेड का थ्योरी है डेवलपमेंट के बारे में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या है थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट देखो द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी हैज बिकम्स एन इनकेपसिबल नेसेसरी फॉर ऑल साइकोलॉजिस्ट वो जिसका भी हो उसका पर्सनैलिटी को पढ़ना ही साइकोलॉजिस्ट है द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ दैट मैंस पर्सनैलिटी इज़ फॉर्म नॉट बाय वन फैक्टर बट बाय न्यूमेरस फैक्टर तो उस वो जो बच जो बच्चा होता है या फिर जो भी पर्सन होता है उसका उसका जो पर्सनैलिटी एक चीज़ में नहीं होता है बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर में वो सब होता है तो थ्योरी ये जो इसलिए ऐसे थ्योरी सब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं तो कौन कौन सा वो चीज़ है जिससे कि उन लोगों का मतलब साइको सेक्सुअल थ्योरी मतलब डेवलपमेंट होता है वो सब पता चलता है तो ये जो फ्रेड इनका रियल नाम क्या है सिगमॉन्ड फ्रेड ही डेवलप्ड साइको एनालिटिक थ्योरी वो एक साइको एनालिटिक थ्योरी दी है जिसमें क्या हुआ है साइकोलॉजिस्ट इज साइकोलॉजिस्ट सॉरी साइको एनालिसिस इज डायनामिक एंड बेस्ड ऑन द एजमस दैट द पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय प्रीमेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ सेक्स एंड अनकॉन्सियसनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मतलब वो क्या होता है वो पहले पहले उसका जो सेक्स होता है या फिर ऑन और ह्यूमन बिहेवियर में उसका कॉन्शियस नहीं होता है उसका इतना नॉलेज नहीं होता है तो फ्रेड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इसमें तीन टाइप का पर्सनालिटी आता है एक है उसका आईडी होता है एक ईगो होता है और एक सुपर ईगो होता है तो उसी हिसाब से सिगमर्ड फ्रॉड क्या किए हैं माइंड को डिवाइड कर दिया है कुछ एस्पेक्ट से जैसे पहला आता है टोपोग्राफिक एस्पेक्ट टोपोग्राफ टोपोग्राफिक एस्पेक्ट्स के हिसाब से क्या है साइको साइको एनालिसिस मीन्स माइंड एंड बॉडी आर इंटर रिलेटेड एंड एक्ट ऑन ईच अदर माइंड फंक्शंस थ्री लेवल वो बोले हैं कि बॉडी एंड माइंड एक साथ काम करते हैं इंटर रिलेटेड है और उसी हिसाब से उसका तीन फंक्शन है मेन फंक्शन एक है कॉन्शियस कॉन्शियस क्या है अवेयर ऑफ मेंटल प्रोसेस हमारा जो मेंटल प्रोसेस में अवेयर होते हैं हम लोग हमारा जो बुद्धि का होता है वो है कॉन्सियस और एक है सब कॉन्सियस और एक है अनकॉन्सियस सब so, तो कॉन्सियस क्या है अवेयर ऑफ मेंटल प्रोसेस मेंटल प्रोसेस के बारे में अवेयर होता है सब कॉन्सियस में सेंट्रल टाइम सॉरी सर्टेन टाइम्स मेंटल प्रोसेस इज नॉट कॉन्सियस आफ्टर दैट वी आर अवेयर ऑफ देम इफ़ वी ट्राई टू रिकॉल देम मतलब पहले से नहीं होता है लेकिन हम लोग रिकॉल करेंगे तब वो आता है उसको हम लोग सबकॉन्सियस बोलते हैं और एक है अनकॉन्सियस अनकॉन्सियस क्या नॉट अवेयर ऑफ मेंटल प्रोसेस उसका मेंटल प्रोसेस में अवेयर नहीं रहता है दिस थ्योरी गिव्स ग्रेट स्ट्रेस ऑन द अनकॉन्सियसनेस लेवल ऑफ आवर माइंड तो ये जो थ्रेड का थ्योरी है इसमें हमको ज़्यादातर अनकॉन्सियस लेवल का माइंड जो है इसी के बारे में दिखाया गया है तो ये पहला एस्पेक्ट था देन आता है सेकेंड एस्पेक्ट डायनामिक एस्पेक्ट इसमें तीन चीज़ है एक है आई डी एक है ईगो एक है सुपर ईगो तो ये साइको एनालिटिक्स थ्योरी क्या है देखो ये जो तीन चीज़ दिया है ईगो क्या है आईडी क्या है द प्रोमिनेंट सॉरी प्रोपोनेंट ऑफ दिस थियोरी वाज सिगमॉन्ड फ्रॉड अकॉर्डिंग टू हिम मैंस पर्सनैलिटी इज ग्रिम्पड आउट ऑफ द आईडी डी द ईगो एंड द सुपर ईगो आईडी क्या है द टर्म एक्सप्लेन द आईडी रिग्रेस टू द जनरल ईगो मतलब नॉर्मल ईगो को हम लोग आईडी बोलते हैं ईगो इज इंडिविजुअल्स ईगो एंड द सुपर ईगो इज मैंस मोरल सेंस अगर आई बोलेंगे तो वो जो नॉर्मल जो लोगों का होता है नॉर्मल ईगो खुद आई मतलब क्या जैसे आई कार्ड खुद का ऐसा टाइप का यानी तो ईगो क्या होता है एक इंडिविजुअल का ईगो खुद का ही एक थोड़ा सा ईगो लेकिन सु, सु, सुपर ईगो क्या है वो मैन का जो मोरल सेंस होता है उसी का उसको हम लोग सुपर ईगो बोलते हैं तो आईडी इज द अनकॉन्शियस माइंड इन विच मैन इंस्टिक्ट एंड इनस्ट डिजायर्स दिच डिमांड इमीडिएट सेटिस्फेक्शन आईडी में क्या होता है वो उसका माइंड अनकॉन्सियस रहता है और सड़न कुछ चाहता है अगर मिल जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है देन ईगो क्या है द ईगो कॉम्प्रिहेंशन विद इट्स इट्स सेल्फ कॉन्शियसनेस पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन और डिटर्मिनेशन द इंटेलेक्ट एंड रीजनिंग वो थोड़ा सोच समझ के जो करता है वो होता है उसका ईगो सुपर ईगो क्या है इज फॉर्म्ड और जनरेटेड बाय आइडियल्स रिगार्डिंग दिच थ्री कॉन्सेप्ट तो ये सुपर ईगो के लिए ये तीन कॉन्सेप्ट आता है fred had stated that ego is that part of the id which has been modified by its proximity to the external world and the influence the latter has on it and which serves the purpose of receiving stimuli and projections the organisms form them like the cortical layer with which a particle of living substance surrounded itself मतलब जैसे ये क्या होता है आईडी एक छोटा होता है आईडी से बड़ा होता है क्या ईगो जैसे कि एक सेल सेल में क्या होता है सेल के ऊपर कोटिकल लेयर एक लेयर होता है कि नहीं लिविंग सब्सटेंस के ऊपर तो जैसे लिविंग सब्सटेंस के ऊपर वो कोटिकल लेयर होता है ऐसे ही आईडी के ऊपर एक ईगो होता है देन फ्रेड्स दस फ्रेड्स व्यू इन दैट द ह्यूमन पर्सनैलिटी जनरेटेड बाय द थ्री एलिमेंट्स तो हमारा ह्यूमन का पर्सनालिटी ये तीन चीज़ से ही आता है किस किस से एक आईडी एक ईगो एक सुपर ईगो एंड दैट दे आर कॉम्बिनेशन मैनिफेस्टेड इन न्यूमरेसबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन आता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में उन लोगों का पर्सनैलिटी सब डिफरेंट डिफरेंट होता जाता है सुपर ईगो दैट एक्सपेक्ट ऑफ द ईगो हु पॉसिबल द प्रोग्रेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड को इन साइंस जब ये सुपर ईगो आता है तब इससे क्या होता है ईगो भी होता है और ईगो से हमारा कोइनसाइंस का जन्म होता है तो इसलिए ये तीनों चीज़ ही इम्पोर्टेंट है तो ये था फ्रेड्स का थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे जो कि गोल्ड स्टैंड का है सो तब तक के लिए बाय बाय प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू